Hey, hi guys, good morning everyone and welcome back to my YouTube channel, Jai Mahi Vlogs. Yes, I know, you know, you guys have been missing a lot of our vlogs. आप messages कर रहे थे मुझे Instagram पे, Facebook पे, कहाँ मैं देख रहा था कि you know आपके messages आ रहे हैं that you know you want to see you know our vlogs back. So finally after Big Boss, this is gonna be our first you know vlog. I was a little busy with my stuff and क्योंकि आपको बता दूं कि आज एग्जैक्टली 13th February है एंड यस कल 14th February है. देखिए मेरी वाइफ कितनी रोमांटिक है. 13th February को वो अभी कोई दूसरे होटल में चेक इन करने जा रही है अपने माँ बाप के साथ और मुझे छोड़कर जा रही है. हाँ माई यस गाइज. सो मैडम ने एक होटल बुक कर दी है अपने मॉम डैड के लिए और वैलेंटाइंस के टाइम पे वो अपने मॉम डैड के साथ वैलेंटाइन स्पेंड कर रही है. इजंट इट अ गुड आइडिया टू स्पेंड वैलेंटाइन्स विद योर पेरेंट्स आल्सो, क्योंकि 10 साल तो मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया है वैलेंटाइन. अच्छा अच्छा. और तो फिर उसके बाद हम कहीं जाने भी वाले हैं, वो भी एक सरप्राइज. तो फिर मैं भी ढूंढ लूं फिर कोई एक वैलेंटाइन. हां मैं भी ढूंढ लूं वैलेंटाइन. तारा है ना तुम्हारे पास? वो तुम लेके जा रही हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं. हां तुम लेके जा रही हो ना, ढूंढ लो. अरे ढूंढ लो, ये सब बोलने की बात रही थी, बाद में फिर यही बात लगाती है. एट प्रेजेंट सीन ये है कि माही जा रही है अपने पेरेंट्स के साथ होटल चेक इन करने के लिए एक दिन के लिए एंड मैं घर पे ही रहने वाला हूँ. या मैं बीच बीच पे जाते रहूँगा उनको मिलने के लिए, डिनर और लंच के लिए. सो या और एक चीज़ है जो मुझे तो आप लोगों को बतानी है जो मैंने अभी तक बताई नहीं है. So, काफ़ी उखड़ी उखड़ी सी रह रही थी 2-3 दिन से, मैं देख रहा था. और फ्रेंड में उसके कोई फ्रेंड्स भी आए थे, वो फ्रेंड्स भी कह रहे थे दैट यू नो व्हाट आर यू डूइंग फॉर वैलेंटाइन्स. तो मैंने वहाँ पे बहुत ही एकदम एग्रेसिवली बोल दिया, अरे कुछ नहीं करना वैलेंटाइन, ये क्या फालतू चीज़ है वैलेंटाइन, ये करिए. और मैंने ख़त्म कर दिया तो शी एक्चुअली गॉट अपसेट. उसने मुझे कहा नहीं, बट वो ऐसे मुँह छोटा सा हो गया था. बट मैंने उसके लिए गिफ्ट लाया है. होगा शायद. हाँ होगा अभी. सो बेसिकली मैंने उनके लिए गुची के शूज़ लाए हैं जो अभी एट प्रेजेंट आ रहे भी है, रास्ते पे है. तो मैंने गुची के शूज़ लाए हैं. शी हैज़ नो क्लू. उसने कई महीनों पहले यू नो वो शूज़ देखे थे एंड वो उसने उससे पसंद भी आए थे, बट यू नो वो नहीं ली थी एंड आई नो द रीज़न उसने लिया क्यों नहीं था. तो वही शूज़ मैंने अभी बुक किए हैं और वो आने वाले हैं अभी कुछ ही देर में. कोई नहीं आने वाला बाबा. आई स्वेयर कोई नहीं आने वाला. स्वेयर ऑन मी. हां स्वेयर ऑन मी. स्वेयर ऑन यू. सर स्वेयर ऑन यू कोई नहीं आने वाला, पूरी कर लाइक. स्वेयर ऑन यू कि कोई नहीं आने वाला. कोई नहीं आने वाला. झूठ मत बोल यार. अच्छा तो माही को यू नो सरप्राइजेस जरा भी पसंद नहीं है ना. हाँ और मैंने कोई सरप्राइज रखा भी नहीं है. तो फिर क्या है, बोलो कौन आने वाले हैं. व्हाट डू यू थिंक घर पे आने वाला है कोई, बोल ना यार जल्दी. मतलब वो मत कर प्लीज. क्या मतलब इरिटेट मत कर. क्यों बोल. क्यों बोल. व्हाई बोल. क्या अरे क्या जानना क्या है तुझको. क्या तेरे कान बड़े एकदम पक्के, मतलब मैं कहीं और बोल रहा हूँ तूने फटाक से सुन लिया. हाँ आपको बताने के चक्कर में मुंह से निकल चुके पीछे यार, आपको बताने के चक्कर में गड़बड़ हो गई, उसको पता चल गया कि क्या होने वाला है. सो हाँ मैंने वो गुची के शूज़ खरीदे हैं उसके लिए जो वो काफ़ी टाइम से वो चाहती थी कि यू नो उसे मिले. तो वो रास्ते में ही है. वैलेंटाइंस तो कल है लेकिन मैंने बोला आज ही दे के ख़त्म करते हैं. Tell me. What should I tell you? Nobody.
व्हाट आर यू वेयरिंग भाई? मतलब आई डोंट नो, मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है। एक तो इतनी जींस फटी हुई पहनी है, वो फट गई। एंड प्लीज यू नो आई एम डन विद दी शूज। ये क्या पहन? आई एम डन, बाय मी न्यू वंस। हां बाय मी न्यू वंस। रियली? रियली। हां अरे तू जान, तू कुछ जान मांगती थी तो वो भी मैं दे देता था। जूते मांगे तूने? तूने जूता मांगे सिर्फ? हाँ कितने के? कितने जूते को? 10-20? हाँ कितने के? ए माई कितने के? 70,000 के शूज हैं। माय गॉड, ये जूते 70,000 के? क्या मजा आता है इसमें? 70,000 के जूते ऐसे पैरों में रख के क्या मजा आता है? बता ना, बता ना माई। इसका एक कपड़े का बैग इधर ऊपर जिसमें ये आया था। अरे टॉक टू मी। उधर पड़ा होगा, मतलब पता है ना वो इसका व्हाइट कलर का बैग है। हाँ ऊपर ही होगा रखने के लिए। ये 70,000 के जूते में क्या मजा आता है? 70,000 रुपए के। और ये कितने का है? नहीं वो छोड़ दे, ये बताओ ये तो बैग है कितने का है? मुझे नहीं मालूम। आई नो इट बट आई डोंट वांट टू से इट। हाँ। जब हम गरीब थे हम नहीं ले पाते, अब हमने मेहनत। तू अभी भी गरीबी है। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं तू अभी तो भी गरीबी है। हाँ कोई नहीं आया, तू क्यों इतनी वो हो रही है, उत्सुक हो रही है? हाँ ये भी चलेगा क्या? सॉरी माई बट स्टार्ट वेयरिंग समथिंग एल्स मैन। हमेशा तेरे यही जूते दिखते हैं मुझको, कुछ तो और पहन लिया कर। ओ मैडम, मैडम क्या बोली? एक घंटे के लिए आती है और मैं क्या नजर रखूंगी? हाँ दीदी अगर मुझे कितना भी पूछेगी तो मैं कहाँ बताऊंगी? ये जो मैं तो बोलूंगी एक ही घंटा रुकी थी बस। ये जो तुम्हारे जो ऐसे खुफिया लोग जो पूरे बिल्डिंग में घूमे रहते हैं ना, वॉचमैन से लेके सब लोग, फ्रॉम यू नो एवरी सिंगल पर्सन। हाँ बोलो वापस बोलो, क्या हुआ? दीदी बहुत टेंशन लेती है, मूड खराब हो गया था। क्या क्या टेंशन? लेकिन था क्या? मैंने बता दिया था दाल में कुछ नहीं काला है। हाँ तू तो रेंदे, तू तो यू नो मिर्च डालती है बहुत बड़ी। तू ही यू नो मेरे घर को तोड़ने वाली औरत तू ही होगी, देखना। ना 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 ना। हाँ इधर की बात उधर करके मसाला डाल के तू यू नो चाहती है कि हमारे बीच में फूट लगे। ना मैं मसाला नहीं डालती हूँ, मैं तड़का लगाती हूँ। हाँ ये ले इस तो फाइनली माही तो चली गई है अपने मॉम डैड के साथ होटल में स्टे करने के लिए एंड वैलेंटाइन स्पेंड करने के लिए। मैं कल उनको मिलने वाला हूँ, कल मैं शायद उनके होटल में जाकर उनके साथ डिनर करने वाला हूँ। अब माही आखिर में देखो इस घर गई है, ये पिंकी मुझे ध्यान रखने के लिए आज हाँ? तो ये एंजॉय करेंगे और कल फिर दीदी के पास आएंगे। क्या क्या आज एंजॉय करेंगे? हाँ क्या एंजॉय करूंगा मैं? अब बताया ना दाल में कुछ काला है। भैया दीदी भी बोली थी दाल में कुछ काला है, मैंने बोला उतनी दाल काली नहीं है। अच्छा लेकिन है? है थोड़ी वाह। आज के दिन एंजॉय करो। हाँ आज के दिन तेरे को पता है ना तेरी पगार में इस महीने आधे महीने आधा काटने वाला हूँ। ये जो दाल में काले, तेरे को काम करने के लिए बुलाया था, दाल में काला ढूंढने के लिए नहीं बुलाया था मैंने। दीदी बोली थी दाल में कुछ काला है, लेकिन मैंने बोला दीदी इतनी दाल काली नहीं है, थोड़ी सी है। थोड़ी अभी भी सोच ले 50% काटूंगा अगर समझो तूने ये थोड़ी भी रखी तो। ना जी होते सिवा मेरा कोई पैसा काट नहीं सकता। अच्छा इतना कॉन्फिडेंट? इतना मैं बोलूंगी नहीं दीदी को, आज के दिन एंजॉय करो और कल आप जाओ। अच्छा देख रही है। चलो ये भी जा रही है फाइनली, बाय बाय, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। सब अपने यू नो तेज में घूम रहे हैं यहाँ पर, ये देखो। हाँ जी तो तारा तारा माही तारा को लेके यू नो चली गई है और अब हम यहाँ पर पूरा एक दिन अकेले। आई मीन शादी के बाद है ना ये चीज, सच्ची बता रहा हूँ, जन्नत बोला जाता है इसे। जन्नत की बीवी 24 घंटे आपको यू नो छोड़ कर कहीं जा रही है और आप अभी रिलैक्स करेंगे, नो फोन कॉल्स नथिंग, अभी आराम से चिल करेंगे। और बाकी की स्टोरी अभी माही क्या कर रही है वो आप माही के व्लॉग में देखिए, क्योंकि वो वहाँ पर होटल में यू नो वो व्लॉग बनाने वाली है। Hi
सकता लिपस्टिक. लाइक करो, शेयर करो, बोलो. एक मिनट, क्या लाइक करो, शेयर करो. ओके.